देखिए अपने पास ATPM और GPT दोनों साथ में, एक टर्म है A और नेक्स्ट टर्म है A प्लस B इंटू R, दूसरी टर्म है A प्लस 2D इंटू R, फिर नेक्स्ट टर्म A प्लस 3D इंटू R, ए प्लस एन माइनस वन बी इंटू आर टू की पावर एन, इसके अंदर ए पी बी है और जी पी बी, ये एस है, मैं ये एस फाइन कर, आपको करना क्या है इसके अंदर कॉमन रेशियो बैलेंस चेक करना है, क्या है कॉमन रेशियो, इधर देखें तो कॉमन रेशियो आर, तो आप क्या करें इसको आर से मल्टीप्लाई कर लें, ये सभी आर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक प्लेस छोड़ के, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ए आर प्लस ए प्लस डी आर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो आप आर से और एक प्लेस छोड़ के, ए इंटू आर हो जाएगा, ए प्लस डी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ए प्लस टू डी आर क्यूब, ये वाले टर्म इधर आ जाएंगे, इधर क्या आ जाएगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी आर एस टू एन माइनस वन, और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और आर एस टू एन, यही बात समझ आई, आपने इसी को इसी सीरीज को आर से मल्टीप्लाई किया और उसी को यहाँ पे लिख दिया एक प्लेस को, ठीक है, अब आपने इसमें से इसको सेपरेट किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये कितना बना एस वन माइनस आर, ठीक है, इक्वल टू ये ए है ये आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो दो डी आर, ये डी आर प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो दो डी आर स्क्वायर, फिर ये डी आर क्यूब, और लास्ट ये कितना हो जाएगा बी आर एस टू एन माइनस वन प्लस लास्ट का मैं ए प्लस एन माइनस वन माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन बी आर एस टू, समझ आया आपको, ठीक है, अब ये टोटल कितनी टर्म्स थी एन टर्म्स, ये सारे के सारे एन टर्म्स हैं, ये भी तो एन टर्म्स ही है, इन्हीं टर्म्स को तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई का, अब एक मैंने इस प्लेस छोड़ के लिखा ये टर्म इधर आ गया, तो ये टोटल कितनी बची एन माइनस वन टर्म, ये भी एन माइनस वन टर्म, एक टर्म इधर, ये टोटल दोनों मिलकर कितनी हुई एन माइनस वन टर्म, क्या ये बात समझ में आई, फिर से बताओ ये टोटल एन टर्म है यहाँ से लेके यहाँ, उसमें से एक टर्म को छोड़ दो एन माइनस वन टर्म हुई, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक एन टर्म है, उसमें से एक टर्म को छोड़ दो एन माइनस वन टर्म हुई, तो ये टर्म टोटल कितनी है n माइनस वन टर्म, यहाँ उसमें से एक टर्म ये होगी टोटल कितनी हो गई n टर्म, और ये वाले टर्म टोटल कितनी हो गई n प्लस वन टर्म, क्या ये बात समझ में आई, n प्लस वन टर्म में से फर्स्ट टर्म तो ये रही और लास्ट टर्म ये रही, अब बताओ ये वाले टर्म टोटल कितनी है, सिर्फ कितनी टर्म, ये कितनी टर्म है n माइनस वन है, तो एस ऑफ वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस इन सभी में से डी कॉमन आर भी कॉमन, क्या बचेगा वन प्लस आर स्क्वायर अप टू आर एस टू एन माइनस टू, टोटल एन माइनस वन टर्म है ये ध्यान रखें, और ये आ गया आपका माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी आर एस टू, ठीक है, ये हुआ एस ऑफ वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी आर, ये क्या है जी पी एम, इसके अंदर टोटल एन माइनस वन टर्म्स है, जी पी का सम का फॉर्मूला क्या होता है ए आर एस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये होता है टोटल एन टर्म्स होता है, यहाँ तो आपके पास कितने टर्म्स एन माइनस वन, तो ये ऐसा होता है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म तो क्या है ए की जगह वन है तो वन आ गया, इस आर की जगह कितना लिखा हुआ आर ही लिखा हुआ है, टोटल टर्म्स एन माइनस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये बात समझ आई, अब देखिए इधर ये क्या बचा
माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इंटू आर इज टू एन। समझ आया? अब मैं ये वन माइनस आर से डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए क्या टर्म मिलेगी। एस इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर इंटू आर इंटू वन माइनस आर इज टू एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर इज टू एन अपॉन वन माइनस आर। ये है ए जी पी के nth टर्म का सम। ए जी पी जो है ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोसेस, जिसके अंदर ए पी पी है और जी पी पी है, उसके n टर्म का सम ये। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, आपके लिए प्रोसीजर याद रखना है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला रखना नहीं है, बोलो लास्ट में ये कैसे हुआ? ये वन माइनस आर डिवाइड करके इस ए को ए फॉर वन माइनस आर है, ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये वन माइनस आर स्क्वायर माइनस वन हुआ, ये वन माइनस आर हुआ और इधर का वन माइनस आर तो वन माइनस आर स्क्वायर हुआ, ये ए प्लस एन माइनस वन डी आर स्क्वायर और ये वाला डिवाइड वन माइनस आर। समझ आया? क्लियर है? अब मुझे बताना, अगर ये इनफाइनाइट सीरीज का सम पूछा हो तो एन टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट सीरीज ए जी पी है उसका इनफाइनाइट सीरीज, तो एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब इस केस में इफ आर इज लेस देन वन हो तो आर एस टू एन कितना होगा? तो बताएगा एन टेंस टू इनफाइनाइट तो आर टू दी पावर एन कितना होगा? अगर आर वन से छोटा है जीरो हो जाएगा। वन से छोटी कोई भी वैल्यू है उसकी पावर को आप बढ़ाते जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती है, और पावर बहुत बड़ी कर दी इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। बहुत छोटी कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये एस ऑफ इन्फाइनाइट कितना आ जाएगा? देखो ए अपॉन वन माइनस आर और आर एस टू एन जीरो, ये जीरो हो गया, ये आ जाएगा प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। इधर आर एस टू एन इंटू जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो गया। ये है एस ऑफ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जी पी ए जी पी का सम, ये एन टर्म के ए जी पी का सम, ये दोनों फॉर्म। इसके क्वेश्चन आप लोग जो लोग एन सी आर टी कर लेना, उनका एन सी आर टी को ही मिल जाए, एन सी आर टी के अंदर भी इस तरह की क्वेश्चन है। और क्या आप लोगों ने कर लीजिए जल्दी साथ ही सबको, और इसके लिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। पूरा नोट किया आप लोगों ने? इसके अंदर ए पी पी और जी पी पी है, इसका कॉमन रेशियो कौन बताएगा? 1/3 है, आर आपको मिल गया, और ए पी का कॉमन डिफरेंस आपने लिखा इसको 3/5 प्लस
थ्री प्लस टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री क्या चाहिए ना, प्लस थ्री प्लस टू इंटू टू डिवाइड बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री स्क्वायर सही जा रहा हूँ। ए प्लस डी ए प्लस टू डी ये आर स्क्वायर एंड थ्री प्लस टू इंटू थ्री अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन थ्री क्यूब एंड यही बात समझ आई। देखो किसी को डाउट हो तो पूछो। ये आपका ए है, ये देखिए ए प्लस डी इंटू आर ए प्लस टू डी इंटू आर स्क्वायर ए प्लस थ्री डी इंटू आर क्यूब ऐसे कुछ है। अब ये फर्स्ट टर्म आपने लिखी थ्री प्लस जीरो वन फाइव ठीक है, सेकंड टर्म आप लिख रहे हो थ्री प्लस टू इंटू वन वन फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर वन ठीक है, सेकंड टर्म आप लोग लिख रहे हो थ्री प्लस टू इंटू टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर, और फोर्थ टर्म आप लिख रहे हो थ्री प्लस टू इंटू थ्री वन फाइव इंटू वन बाय थ्री टू दी पावर क्यूब। अब कोई बताएगा एंथ टर्म में कैसे लिखूं, आप में से कौन बताएगा एंथ टर्म कैसे लिखूं? फर्स्ट टर्म में क्या लिखना है थ्री प्लस टू इंटू जीरो वैसा होता है टू इंटू थ्री, सेकेंड टर्म के अंदर थ्री प्लस टू इंटू फाइव, थर्ड टर्म के अंदर थ्री प्लस टू इंटू टू, फोर्थ टर्म के अंदर थ्री प्लस टू इंटू थ्री, तो एंथ टर्म के अंदर थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया डिवाइड बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर एन माइनस वन वेरी गुड ठीक है। ये आ गया आपका एस, ये एस आ गया। अब इस एस को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, एस को वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा वन बाई थ्री इंटू एस, इन सभी टर्म को मैं वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा और एक प्लेस छोड़ के लिखूंगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा देखो थ्री प्लस टू इंटू जीरो बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री ठीक है, इसको मैं यहाँ लिखूंगा थ्री प्लस टू इंटू वन बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री प्लस टर्म को यहाँ लिखूंगा थ्री प्लस टू इंटू टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री सब क्यूब, नेक्स्ट इधर आ जाएगा थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस टू वन फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, प्लस थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर एन। इस स्टेप से किसी को डाउट है? आपने इसी टर्म को ए जी पी के फॉर्म में बनाया, एंथ टर्म लिखी, फिर इसी को इसका जो कॉमन रेशियो वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर, अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई थ्री, कितना होता है वन माइनस वन बाई थ्री टू बाई थ्री इंटू एट इक्वल, ये फर्स्ट टर्म थ्री प्लस टू इंटू जीरो बाई प्लस ये कितना होगा मान बताएगा वन बाई थ्री कॉमन से माइनस करना है थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस टू इंटू टू टू बाई फाइव टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री, क्या ये बात समझ में आई? थ्री प्लस टू माइनस थ्री माइनस टू इंटू जीरो मतलब जीरो, तो ये थ्री और थ्री कैंसिल हो गए टू बाई फाइव बच गया वन बाई थ्री, इसमें क्या आएगा नेक्स्ट टर्म थ्री माइनस थ्री कैंसिल हो गया टू इंटू टू माइनस टू इंटू वन कितना बचा है टू बचा टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर प्लस इसको देखिए थ्री माइनस थ्री कैंसिल टू इंटू थ्री माइनस टू इंटू टू 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 बचा टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी होल पावर क्यूब, नेक्स्ट लास्ट टर्म क्या बचेगी इधर टू बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर एन माइनस वन, और ये लास्ट टर्म है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन बाई फाइव इंटू वन बाई थ्री टू दी पावर एन,
किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, वो डाउट चलिए ये टर्म टोटल कितनी होगी वन बताएगा, यहाँ से यहाँ तक ये टर्म कितनी टर्म एन माइनस वन होगी, ये लिखा टू बाई थ्री इंटू एस इक्वल टू थ्री बाई फाइव प्लस आपके पास फर्स्ट टर्म है और आर है और एन माइनस वन टर्म का सम जो ये मैंने फर्स्ट टर्म ली थी टू बाई फाइव इंटू वन बाय थ्री आर कितना वन बाय थ्री टू दी पावर एन माइनस वन माइनस वन फोर वन बाय थ्री माइनस वन माइनस वो वाले टर्म लिखता हूँ थ्री प्लस टू इंटू एन माइनस वन बाय फाइव इंटू वन बाय थ्री टू दी पावर एन स्टेप का किसी को डाउट है आप में से किसी को भी डाउट है क्या नो डाउट चलिए यहां तक लिखा मैंने वन माइनस वन बाय थ्री टू दी पावर एन माइनस वन फोर ये कितना हो जाएगा वन माइनस वन बाय थ्री कितना हुआ वन माइनस वन बाय थ्री टू बाय थ्री ये हुआ आपका टू बाय थ्री और इसको मैं थ्री बाय टू को लिख लूँ थ्री बी टेन बाय नाइन बाय टेन नाइन बाय टेन यही बात समझ आई सही लिखा या कुछ मिस्टेक कोई बताऊँ टू बाई थ्री ये आ जाएगा वन माइनस वन बाय थ्री कितना हुआ टू बाय थ्री ये टू बाय थ्री से डिवाइड हो जाएगा टू बाय थ्री फोर बाय नाइन नाइन ऊपर चला जाएगा नाइन बाय फोर टू इससे कैंसिल हो जाएगा ये हुआ आपका टू बाय फिफ्टीन इंटू फोर बाय नाइन नाइन बाय फोर थ्री बाय जा टू जा नाइन बाय टेन सही बात टू बाय नाइन टू बाय थ्री हाँ तो ये भी तो चेंज हुआ वन माइनस वन बाय थ्री इसी तो टू बाय थ्री हुआ ये तो माइनस टू बाय थ्री होगा मैंने इसको चेंज करके लिखा इसको मैंने वन माइनस वन बाय थ्री लिखा तो टू बाय थ्री हुआ इसलिए इसका साइन चेंज हुआ समझ गए अब ये कितना हुआ बोलो माइनस अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा थ्री बाय टू से ये है आपका थ्री बाय टू थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन प्लस थ्री इंटू टू सिक्स एन माइनस वन वन टू टेन हो गया और ये वन बाय थ्री टू दी पावर एन ये है एन टर्म का सम जो आपसे पूछा है फाइंड द सम टू एन टर्म ठीक है अब एस ऑफ इनफाइनाइट बता दो आपने से कौन बनाए एस ऑफ इनफाइनाइट क्या इसका कॉमन रेशियो लेस देन वन है लेस देन वन है वन बाई थ्री है तो वन बाई थ्री टू दी पावर एन कितना होगा जीरो तो ये जीरो हो गया पूरी टर्म ये भी जीरो हो गया ये नाइन बाई टेन बचा इधर ओनली और इधर नाइन बाई टेन कितना हुआ मतलब नाइन बाई ठीक है ये एस ऑफ
लोग गलती बताओ। ये है एक सब टू टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज थ्री प्लस थ्री प्लस टी इंटू वन बाय फोर प्लस थ्री प्लस टू डी इंटू वन बाय फोर स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी इज 44 बाय 9 5d। अब आपको इन्फाइनाइट सीरीज का सम दे दिया गया है, आपको डी फाइन डी है आपके पास बी फाइंड करके बताइए कितना। एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, जो डाउट हो तो पूछ लेना, कॉन्सेप्ट तो वही है। और बताइए मुझे, और किसने सॉल्व किया? डाउट है ये वाले क्वेश्चन में, किसी को डाउट है क्या? किसी को भी डाउट नहीं है ना इसमें? सबसे सॉल्व हो गया, तो ये दोनों सॉल्व करके। तो अगर किसी को डाउट है और वो डरवा रहा है, नहीं कह पा रहा, तो ऐसे इसको आर से मल्टीप्लाई करूं, वन बाय फोर एस ये थ्री इंटू वन बाय फोर प्लस थ्री प्लस डी इंटू वन बाय फोर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एस माइनस वन बाय फोर एस, कितना हो गया थ्री बाय फोर इंटू एस इक्वल टू, ये कितना हुआ थ्री प्लस थ्री इंटू वन बाय फोर
थ्री माइनस थ्री डी इंटू वन बाय फोर प्लस ये थ्री माइनस थ्री डी इंटू वन बाय फोर स्क्वायर आपको इन्फिनिटी। ठीक है, अभी देखिए थ्री बाय फोर इंटू एस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा थ्री, एक टर्म तो एल जी लिखी बाकी टर्म डी कॉमन, ये वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर स्क्वायर और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये हो जाएगा थ्री बाय फोर इंटू एस इक्वल टू थ्री प्लस थ्री, ये इनफाइनाइट जी पी है, इसका फॉर्मूला होता है ए पर वन माइनस आर, ए है आपका वन बाय फोर कौन वन माइनस आर भी वन बाय फोर ही है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा थ्री बाय फोर एस इक्वल टू थ्री प्लस डी वन बाय फोर अपॉन थ्री बाय फोर तो वन बाय थ्री हुआ। यहाँ से एस फाइंड करो, एस इक्वल टू फोर बाय थ्री, फोर बाय थ्री से इसको मल्टीप्लाई करो फोर प्लस फोर डी ये एस मिला आपको ये एस मिला इनफाइनाइट से फोर प्लस फोर डी वो किससे इक्वल आएगा फोर्टी फोर बाय नाइन, यहाँ पे आपको डी मिल फोर प्लस फोर डी फोर्टी फोर बाय नाइन फोर डी हुआ फोर्टी फोर बाय नाइन माइनस फोर्टी फोर माइनस थर्टी सिक्स बाय नाइन एट बाय नाइन फोर डी इक्वल टू एट बाय नाइन तो डी कितना हो जाएगा इसका क्या बताया था इसका सही बताया वन अपॉन वन माइनस एक्स होल इसका इन्फाइनाइट सीरीज है, ये देखो सॉल्व किया इन्फाइनाइट सीरीज वाला कैसे सॉल्व करें को इस पे डाउट है
इसमें डाउट है तो सबसे पहले तो एस लिखते हैं। एस क्या हो जाएगा आपका 1 + 2x + 3x² + 4x³ अप टू इन्फिनिटी। अब इसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है तो एक्स से आप मल्टीप्लाई करना, एक्स एस मल्टीप्लाई करने के बाद एक प्लेस छोड़ के लिखो, तो ये 1 × x इधर आ जाए, 2 × x² इधर आ जाए, 3 × x³ इधर आ जाए, 3x³ और अब तो इन्फिनिटी था। अब आप इसमें से इसको माइनस करो, ये हो जाएगा एस इंटू 1 - x और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 + 2x - x एक्स 3 - 2x² + x³ और तो ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक, ये एस ऑफ 1 - x इनफाइनाइट सीरीज का सम जीपी का ए अपॉन 1 - r ये है 1 और 1 - x एस हो जाएगा 1 अपॉन 1 - x का। अब इसका करते हैं
कि मुझे एन टर्म कौन बताएगा। फर्स्ट टर्म क्या है वन, सेकंड टर्म क्या है ध्यान से देखो, वन प्लस थ्री इंटू वन डिवाइड बाय या इंटू वन बाय फाइव। फर्स्ट टर्म को लिखता हूँ वन प्लस थ्री इंटू जीरो इंटू वन बाय फाइव टू दी पावर जीरो, प्लस थर्ड टर्म है वन प्लस थ्री इंटू टू कॉस सॉरी इंटू वन बाय फाइव का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म है वन प्लस थ्री इंटू थ्री इंटू वन बाय फाइव का होल क्यूब। चलो इसको देखते हुए एंड टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म में जीरो आ रहा है इसकी पावर जीरो, सेकंड में वन आ रहा है, थर्ड में टू आ रहा है, फोर्थ में थ्री आ रहा है, तो एंड में एन माइनस वन वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू वन बाय फाइव टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब इस एस को मल्टीप्लाई करोगे वन बाय फाइव इंटू एस, ये हो जाएगा आपका ये वाले टर्म इधर वन बाय फाइव, फिर ये वाले टर्म वन प्लस थ्री वन वन बाय फाइव का स्क्वायर, फिर ये वाले टर्म वन प्लस थ्री इंटू टू इंटू वन बाय फाइव का क्यूब। अब तो लास्ट का इधर लिख लेता हूँ वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू वन बाय फाइव की पावर एन, ये आपके लास्ट टर्म है। अब आप उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा वन माइनस वन बाय फोर कितना हुआ फोर बाय फाइव, फोर बाय फाइव एस इक्वल टू, इसको तो मैं वन लिख देता हूँ, इन दोनों से क्या मिलेगा देखो थ्री बाय फाइव थ्री इंटू वन बाय प्लस इसमें थ्री इंटू वन बाय फाइव का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाय फाइव का थ्री। अब टू लास्ट लास्ट की नेगेटिव हो जाएगी माइनस ऑफ वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू वन बाय फाइव का पावर एन। अब यहाँ से देखें यहाँ पे टोटल एन माइनस वन टर्म है एन माइनस वन का, तो वो कितनी हो जाएगी फोर बाय फाइव एस इक्वल टू वन प्लस ये सारी की सारी टर्म एन माइनस वन, तो ये फर्स्ट टर्म थ्री बाय फाइव आर इसका वन बाय फाइव वन माइनस वन बाय फाइव टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस वन बाय माइनस ऑफ वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू वन बाय फाइव टू दी पावर एन। ये कितना हुआ फोर बाय फाइव, तो एस इक्वल टू वन अपॉन फोर बाय फाइव मतलब फाइव बाय फोर प्लस ये भी फोर बाय फाइव हो जाएगा ये भी फोर बाय फाइव, तो ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन ये आएगा ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन इंटू थ्री बाय फाइव इंटू वन माइनस वन बाय फाइव टू दी पावर एन माइनस वन माइनस वन प्लस थ्री इंटू एन माइनस वन इंटू वन बाय फाइव टू दी पावर एन। ये आ गया एस ऑफ एन, एन टर्म का सर, तो एस ऑफ इनफाइनाइट बता दो एस ऑफ इनफाइनाइट, ये टर्म तो पूरी जीरो हो जाएगी, ये वाला भी पूरा जीरो, मतलब ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री बाय सिक्सटीन इंटू फाइव प्लस फाइव बाय फोर, इसका सम करके बताओ कितना होगा।
माइनस वन बाय फाइव इंटू वन बाय टू प्लस वन प्लस वन बाय फाइव प्लस वन बाय फाइव स्क्वायर इंटू वन बाय टू स्क्वायर और टू इतनी कॉमन रेशियो वन बाई टू पता चला मल्टीप्लाई करके एक प्लेस फोर के लिए तो बड़ा पड़ा सब्सक्राइब करना कुछ ना मिला तो आपके जो मैथ्स की एन सी आर टी बुक है ना वही बुक कॉमर्स मैथ्स वालों में चलती है वही बुक आर्ट्स आर्ट्स वालों में नहीं चलती जिनका सब्जेक्ट मैथ्स जो कॉमर्स मैथ्स रखते हैं जिनके पास जैसे कॉमर्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो मैथ्स रखते हैं यही बुक चलती है आर्ट्स वालों में भी यही बुक चलती है आपका पर्टिकुलर साइंस मैथ्स तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अपने आप को ये कहलाना कि मैं साइंस मैथ्स पढ़ता हूँ लेकिन नहीं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब वो आर्ट्स के बच्चे पढ़ते कॉमर्स के बच्चे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जयपुर या उस साइड जाओगे तो वहाँ पे 9, 10, 11, 12 पार्टी शर्मा एक बुक आती है स्कूल लेवल 9, 10 ठीक है वो ही चलाते हैं एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता कहीं पे कोई नहीं पढ़ता मैथ्स के स्कूल एनसीईआरटी सिर्फ कॉमर्स वाले या फिर वो लोग ही पढ़ते तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना है सनीकर नहीं पढ़ना पढ़ना है लेकिन वो इनफ नहीं है क्या देना इसके अलावा आपको बहुत कुछ करना है क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं आप जो भी एग्जाम क्वालिफाई करके जब करने जाओगे तो आप पहले ये बताओगे कि मैंने बी सी एम पढ़ा तो उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर था कोई सा भी एग्जाम जे का हो सेट का हो चाहे कोई सा भी एग्जाम आई एस एस आर का हो कोई भी संस्कृत का एन डी ए का कोई भी पेपर सब जगह उसी लेवल का ये मान के चलते हैं कि ये मैथ्स का स्टूडेंट है उसको ये चीज़ें छोटे छोटे क्वेश्चन करके अपने आप को कुछ करने की जरूरत नहीं है थोड़े से ऐसे क्वेश्चन करो जिसमें आपका दिमाग हो ठीक है आगे भी और भी बहुत सारे टर्म्स हैं लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं यही से हमें पता चलता है अब मैं इस चीज़ को माइनस करता हूँ एस माइनस वन बाई टू एस कितना हुआ वन बाई टू इंटू एस इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म वन सेकेंड टर्म क्या आएगी बताओ वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू नेक्स्ट टर्म क्या आएगी देखो वन प्लस वन बाई फाइव तो कैसे होगा वन बाई फाइव स्क्वायर इंटू वन बाई टू स्क्वायर वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू का स्क्वायर नेक्स्ट टर्म वन बाई फाइव इंटू वन बाई टू का होल अप टू इन्फिनिटी ऐसे टर्म बनेगी अब ये हुआ वन बाई टू इंटू एस ये क्या है एक इन्फाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है वन बाई टेन है ये
ये होती है a अपॉन वन माइनस आर, वन अपॉन वन माइनस वन बाय ए। तो वन बाय टू या एस बाय टू ये हुआ वन अपॉन वन माइनस टेन, ये नाइन बाय टेन हुआ तो टेन बाय नाइन हो जाएगा, टेन बाय नाइन। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एस इक्वल टू ट्वेंटी बाय नाइन। अब देख लो आप लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। आप लोगों को आपकी मिस्टेक पता चली? ये फाइंड करके बताइए, वन प्लस टू स्क्वायर एक्स, थ्री स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फोर स्क्वायर एक्स क्यूब, अब टू इन्फिनिटी। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। अभी कॉमन रेशियो क्या है? एक्स एस ये एस एस इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करो, ये एक्स प्लस टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर एक्स क्यूब अब टू इंक्रीज, और इसमें से आपको माइनस करो इसको, ये आ जाएगा एस इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म वन, सेकंड टर्म टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स, सही लिखा। नेक्स्ट टर्म ये वाली थ्री स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इंटू एक्स, नेक्स्ट टर्म प्लस फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, और आगे बहुत सारे टर्म आगे। ये होगा आपका एस ऑफ वन माइनस एक्स टू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, कितना हुआ वन प्लस थ्री एक्स हुआ, ये कितना हुआ थ्री और टू फाइव एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ फोर और थ्री सेवन एक्स क्यू अब टू इन्फिनिटी। अब देखो ये ए जी पी आई, इन दोनों का डिफरेंस टू, इन दोनों का डिफरेंस टू, इन दोनों का डिफरेंस टू, और ये एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो? ऐसा करने के बाद ए जी पी आई, अब ए जी पी से मल्टी इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बार फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसमें से माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा एस वन माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इसको मैं यहाँ लिखूंगा एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब अब टू इंफिनिटी, अब इसमें से इसको माइनस करो, अब ये क्या बनेगा बोलो एस ऑफ वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये सही लिखो एस वन माइनस एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचेगा वन माइनस एक्स, एस वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस एक्स, तो एस वन माइनस एक्स होल स्क्वायर हुआ, इधर क्या बचे रही ये वन थ्री एक्स माइनस एक्स कितना हुआ टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब अब टू इन्फिनिटी, क्या इसका सम कर सकते हो आप? एस ऑफ वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म वन, इसमें सभी में से टू कॉमन, अब ये आपको इन्फाइनाइट डिग्री होगी, इसका सम होता है फर्स्ट टर्म ऑन वन माइनस, अब ये डिवाइड करो एस इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये किस चीज़ को समझ में नहीं आया, कौन सा स्टेप जल्दी बताओ, ऐसा कोई स्टेप है जो समझ में नहीं आया? सबको समझ आया? एक बार आपने एक्स से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट किया तो ये ए जी पी बना, फिर एक बार एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये फाइनल जी पी बना, फिर इसका समाप्त है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।